बस 2 मिनट दे दे। जी ईशा, सब ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपको देखना है। मुझे देखना है? सॉरी, मुझे एहसास नहीं हुआ आपने वीडियो कॉल की है। क्या ढूंढ रही हैं? कहाँ लगी है चोट? आपको किसने बताया? इजलाल ने। आप मुझे दिखाएं, कहाँ लगी आपको चोट? कुछ नहीं हुआ ईशा, बस पुराना जख्म था, ताजा हो गया। मुझे देखना है। मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। शावेज, पहले मैं गुस्से से कह रही थी, लेकिन आप वाकई ये केस छोड़ दें, मैं कोई और वकील हायर कर लूंगी। हरगिज नहीं, मैं ये केस नहीं छोड़ सकता। जब तक इजलाल को सजा नहीं दिलवा देता, सुकून से बैठूंगा नहीं मैं। जिद बन गई है मेरी। शावेज, वो आपको मजीद नुकसान पहुंचा सकता है। परवाह नहीं, आपके लिए जान भी हासिल। आप सबको अपना कहा है तो मुश्किल वक्त में अपनों को अकेला नहीं छोड़ा करते। लेकिन कुछ नहीं ईशा, आपको इंसाफ दिलवाते अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे अफसोस नहीं होगा। बहुत अजीज हो गई हैं आप मुझे। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटा, यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ आके बैठो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है ये। मेरी तरफ से मेरी होने वाली बहू के लिए शगुन है। आप इतनी जल्दी? भाई, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अब आप बताएं, मेरा बेटा आपके सामने, आपकी क्या राय है? अगर आपकी रजामंदी हो तो हम जल्दी ही शादी की तारीख रख लेते हैं। आप शुक्रिया, लेकिन अभी तो हम पहली बार मिले हैं, एक दूसरे को परखने में टाइम तो लगता है ना, तो इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें अपने बेटे की शादी जल्दी करनी है। ये मस्कत से आया है और इसे वापस जाना है। लेकिन मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। आप सोच लें, लेकिन बहू तो मेरी अब ईशा ही बनेगी। शुक्रिया। अच्छा जी, बस अब आप जल्दी से हमें जवाब दे दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीक हम निकाह और रुखसती प्लान कर लें। देखिए, इनकार मत कीजिएगा प्लीज। मैंने आपसे कहा है ना, थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैं आपको जरूर 2-4 दिन में बता देती। बस आपका जवाब हाँ में ही होना चाहिए। जी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जी, और उम्मीद है कि कोई मस्बत जवाब दूंगी आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है। हाँ, डोंट वरी, तुम हैंडल करो बस। ओके, क्या ठीक है? ओके बाय। कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है? किसकी तरफ से? ईशा ने FIR कटवाई है, तो उमेर की मौत की, तो इसलिए कोर्ट ने ये नोटिस भेज दिया।
भाई की मौत के बाद भी अकल नहीं आई है? आ जाएगी। इन सब से सबक सीखने के बजाय वो हमें कोर्ट में घसीटेगी। क्या हो गया मनाल, तुम इतनी मीन क्यों हो जाती हो यार? कुछ करने दो ना यार, वो वकील और ईशा बेचारे फारिग बैठे हुए हैं, कुछ करें, काम वाम करें, अच्छी बात नहीं है भाई? मुझे लग रहा है आप उसे बहुत लाइटली ले रहे हैं। हम उसे जितना तोड़ने की कोशिश करते हैं वो उतनी मजबूत होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और अब वो हमें कोर्ट के चक्कर लगवाएगी। और मुझे लग रहा है कि तुम खामखा अपना ब्लड प्रेशर चढ़ा रही। क्या है क्या ईशा, या वो दो टके का वकील? कुछ नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। ओके, कोर्ट के चक्कर लगवा लगवा के उनका बेड़ा गर्क कर दूंगा। अब मुझे तो जा, चल कर। ओ खुश हैं? मेरी खुशी क्या है, मर्जी नहीं है मेरी। तो फिर शादी क्यों कर रही? शायद अम्मी को लगता है कि मैं शादी के बाद चुप करके बैठ जाऊंगी और मलिक जाल से पीछा छूट जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैं शादी के बाद भी ये केस लड़ती रहूंगी, और जब तक मलिक जलाल को सजा नहीं मिल जाती मैं सुकून से नहीं बैठूं। मैंने ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, ईशा बात कर रही। कल? जी ठीक है, आई विल बी देयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। किसकी कॉल थी? इंटरव्यू की कॉल थी, कल जाना है। आप जॉब करेंगी? जी, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? भाई के जाने के बाद घर का खर्चा तो चलाना है ना, अब उसके लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी। चलें, ये तो अच्छी बात, गुड लक। थैंक यू ईशा। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आ जाएं। हाँ भाई अकरम साहब, गाड़ी का क्या बना? उसी वक्त गायब कर दी थी, 2 घंटे में उसके सारे पार्ट्स चोर बाजार में बिक भी गए। मतलब टोटल स्क्रैप? बिल्कुल। क्या बात है, और जो सीसीटीवी फुटेज थी वो भी उसी वक्त उड़ा दी। वो देखिए, गुड यार। अकरम भाई आप तो लवर हैं यार। बस आप कहे तो जिसने समन भेजा उसको भी सबक सिखा दो। अरे नहीं यार, जल्दी क्या है इतनी, थोड़ा तड़पने दें लोगों को। वो लोग आपको कोर्ट में घसीटना चाह रहे। अपनी मान से बता, कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों वो इतनी नाजुक सी जान को प्रेशर दे रहा है यार, कमजोर हो जाएगा। आपका वफादार हूँ बस, अच्छा नहीं लगता कोई आप पे उंगली भी उठाए। चल वादा करता हूँ, अगली बार जो मुझ पे उंगली उठाएगा ना, तुझे मैं खुद कहूंगा कि इसका हाथ जड़ से निकाल दे। ठीक है। हाँ, और अभी जो जैसा चल रहा है ना, चलने दे। जख्मी शिकार को फड़फड़ाते हुए देखने का अपना मजा है।
ये लॉयर को भिजवाना है। अच्छा सुन, बाबा घर पे? बड़े साहब तो गए हुए हैं बाहर। जिसम बहुत दुख रहा है यार, भिजवाता। हर दर्द की दवा। अच्छे लोग हैं लेकिन ईशा तो मान ही नहीं रही। मुझे तो शादी के अलावा इस मसले का कोई हल नजर नहीं आ रहा। जी आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं, शायद इस वक्त शादी ही सबसे बेहतर हल है। कब करना चाह रही हैं आप शादी? जल्दी करना चाह रहे हैं, लड़के को मस्कत वापस जाना है, छुट्टी पर आया। शादी के बाद ईशा को अपने साथ ले जाएगा। अगर ईशा की शादी ही इस वक्त सबसे बेहतर हल है तो फिर किसी गैर से क्यों, मेरे शावेज से क्यों? अस्सलाम वालेकुम बाबा, आपने बुलाया। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। भाई अब हमारी बेटी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि अपने बाबा के पास कुछ देर बैठ सके। अगर पास बैठ कर डांट ही सुननी है तो दूर ही सही। मेरी बेटी अभी तक नाराज है क्या मुझसे? आपको क्या परवाह, आप मजीद डांट के अपना शौक पूरा कर रहे। तुम्हारे भले के लिए तो तुम्हें डांटता हूँ ना। बचपन में तो नहीं डांटते थे आप मुझे, अब क्या हो गया है? बुरे लगने लग गई हूँ मैं आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, खैर छोड़ो उन बातों को। कल शाम को तुमने जरा अमल सबर की तैयार होकर बैठना है, ठीक है? अच्छा बेटा, मेरी इस बेटी को तैयार रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी पापा जान, कुछ खास है? मेरे एक दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त है मेरे, जो कि शहर के बहुत बड़े सियासतदान भी हैं। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मांगा है तुम्हारे लिए, कल आ रहे ना बोलो। बाबा जब मैंने आपको कह दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी तो आपने क्यों बुलाया उनको? बेटा शादी तो करनी है ना, अरबाज बहुत अच्छा लड़का है। वो अच्छा हो या बुरा हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने आपको कह दिया है मुझे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी, मना कर दे आप उनको। मनाल मुझे नहीं करनी है बाबा शादी, मना करे प्लीज उनको। बुराई बाबा आप फिक्र मत करें, मैं बात करती हूँ। मेरा बेटा आपका देखा भाला है, मेरी यही ख्वाहिश है कि इन दोनों की शादी हो जाए। रामीन देखें, मुझे आपकी और शावेज की नीयत पर तो बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। इतने बुरे हालात में जिस तरह से आप लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं मर के भी नहीं भूल सकती। शावेज जिस घर का दामाद बनेगा वो तो बड़े बड़े खुशकिस्मत लोग होंगे, लेकिन प्लीज आप एक बार सोच लें, क्योंकि हमारी वजह से शावेज की जिंदगी पहले भी एक दफा खतरे में पड़ चुकी है। ऐसा आप सोच रही हैं, हम नहीं। आप किसी गैर पे भरोसा करके ईशा की शादी करवा रही हैं तो फिर मेरे बेटे से क्यों नहीं? ईशा मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत होंगी अगर वो मेरी बहू बनेगी। रामीन देखिए, अगर आप अपनी अपनी खुशी से ईशा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मेरी बेटी तो बहुत खुशकिस्मत होगी जिसे इतना लायक और वफा करने वाला शोहर मिलेगा।
तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझें? जी बस जल्दी से मुंह मीठा करवा दें। जी बिल्कुल अभी ईशा कोई रिश्ता पक्का नहीं हो रहा। मुझे शावेर से शादी नहीं करनी। अच्छा तो बाबा ने आपको भेजा है यहाँ सिफारिश के लिए? नहीं मैं खुद आई हूँ तुम्हें समझाने के लिए। समझाएंगी? आप आइए मुझे समझाने के लिए जिसकी रोज क्लास होती है जलाल भाई से। देखो मिनाल मैंने तुम्हें अपनी नन नहीं समझा कभी, हमेशा छोटी बहन समझा है, इसलिए तुम्हारी कभी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। मान भी लें तो मुझे कौन सा फर्क पड़ जाएगा? बाबा जान तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी फैसला लिया होगा ना बहुत सोच समझ के लिया होगा, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। बाबा मेरे हैं ना, मैं उनसे डील कर लूंगी। आपको उनका वकील बनने की ना कोई जरूरत नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें सब कुछ भूल के इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? जाए यहां से। प्यार की जबान आपको समझ नहीं आती? मैंने कहा निकले यहां से। क्यों नहीं करनी मुझसे शादी? बस नहीं करनी। यही तो पूछ रहा हूं क्यों नहीं करनी? मैं जवाब दे नहीं। अगर सवाल किया जाए तो जवाब देना फर्ज हो जाता है। मेरी फीलिंग से अनजान तो नहीं? जब मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया तो आपको भी खुद समझ जाना चाहिए था। किसी के साथ कमिटमेंट है तुम्हारी? नहीं। तो क्या बात है? मैं पसंद नहीं। आपकी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है कि किसी को पसंद ना आए। Then what's the problem? क्यों इनकार कर रही हो? मेरी जिंदगी में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है शामिल। मैंने महसूस किया है कि तुम मेरी तरफ देखती रही। एक बार, बस एक बार नजर भर कर मुझे देख तो लो, क्या पता तुम्हें मोहब्बत हो जाए।
मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। तुम अपने फैसलों में बाइख्तियार हो, तुम्हें जहां शादी करनी है वहां करो। लेकिन अगर ये फैसला मेरे शाबाज के हक में होता तो मैं बहुत खुश होती। अगर तुम्हारी रजा मिलती नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, सदा खुश। जब तुमने कहा था कि मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढे जो इस केस में तुम्हारी मदद करे, तो फिर शावेस के रिश्ते से इनकार क्यों कर रही हो तुम? शावेस से बेहतर तुम्हारी मदद कौन कर सकता है? अम्मी, आप जिससे मर्जी मेरी शादी करवा दें, पर मैं शावेस से शादी नहीं करूंगी। तुम मुझे पागल कर दोगी? कोई तो वजह होगी ना इनकार की। शावेस के रिश्ते से बेहतर कोई रिश्ता नहीं है इस वक्त मेरी नजर में। अब तुम खुद देखो, शावेज और रामीन ने कितने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया जब अपनों ने भी मुंह फेर लिया था, फिर क्यों इनकार कर रही हो तुम? मैं अब क्यों परेशान हो रही है? जो लोग आ जाए थे अब उन्हें हाँ कर दें। जब नजर आ रहा है कि आने वाले लोगों से अच्छा रिश्ता वो तलबगार है तुम्हारा, तो फिर क्यों ठुकरा रही हो तुम? अम्मी, अगर आज शावेज का रिश्ता ना आता तब भी आप उन लोगों को हाँ कर देती ना, तो बस यही समझ लीजिए कि कोई दूसरा रिश्ता नहीं आया। जो लोग आ जाए थे आप उनको हाँ कर दें। मैं शावेज से शादी नहीं करूंगी। ईशा, मेरे अल्लाह, तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई और। ये जन्नत
सजा है, नशा ये तेरे इश्क का जब मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया तो आपको भी खुद समझ जाना चाहिए था। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। ईशा जी अम्मी, कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। नहीं अम्मी, कोर्ट जाना है, बहुत देर हो जाएगी। कैसे जाओगी? शावेज तो आया नहीं। अम्मी आज कोर्ट में पहली पेशी है और वो अभी तक नहीं आए हैं। पक्का ज़रा भी ध्यान नहीं है उन्हें। मैं अभी कॉल करती हूँ। तुम्हें लगता है जिस तरह से तुमने इनकार किया है शावेज कभी आएगा? अम्मी फिर ये तो इनकार करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। ठीक है, अगर उनको नहीं आना था तो वो मुझे कॉल करके भी बता सकते थे। जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है। गलती तुम्हारी है, तुमने किस तरह से उसे बुरा भला कहा। अम्मी अगर मैंने इनकार कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि वो ये केस नहीं लड़ेंगे? तो ठीक है, मत लड़ें ये केस। इस शहर में वकीलों की कमी नहीं है। मैं इनसे काबिल और बेहतर वकील ढूंढ कर लाऊंगी। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। चले, लेट हो रहे। जी चले। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ऑफिस पहुंच के अपडेट देना। पहले ही हियरिंग में इन्होंने हमें तारीख दे दी है, अब हम क्या करेंगे? ना इजलाल आया और ना ही उसका वकील। थकाना चाह रहा है वो हमें। दूसरी नहीं तो तीसरी पेशी में तो आना ही पड़ेगा उसे। कब तक भागेगा? मुझे तो लगा था आज ये केस शुरू हो जाएगा और फैसले की तरफ कोई पेशकदमी भी होगी। इस मुल्क के सिस्टम को जानने के बावजूद तुम इतनी बड़ी गलतफहमी? जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं होता, वरना एक एक केस इतना लंबा ना लटकता। ऐसा नहीं होता कि आज पिटीशन फाइल की और आज ही जज ने फैसला सुना दिया। मसले मिट जाती हैं तब जाके फैसला आता। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा। कॉफी पियोगी? आपको पीनी है तो आप पीने। मेरा मूड नहीं है, मैं घर जाऊंगी। क्या कर रही है? राइड बुक करवा रही हूँ ताकि आप अपनी कॉफी आराम से पी लें। अब कॉफी है कोई आबे हयात नहीं। चलो छोड़ देता हूँ। Thank you.
आपको कॉफी पीनी थी? जी लेकिन बाहर पीनी थी। मैं बना देती हूँ, घर पे पीने। इतनी जहमत ना करें मेरी, नहीं पीनी मुझे। मैं जा रहा हूँ, आंटी को सलाम दीजिएगा मेरा। आ गई बेटा, शाबेश कहाँ है? नहीं अम्मी, वो बाहर से ही चले गए। अरे बेटा बुलाती ना, कॉफ़ी पीकर जाता। मैंने बुलाया था लेकिन शायद उन्हें जलती थी। अच्छा, क्या क्या बना पेशी का? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? ना इजलाल आया ना ही उसका वकील। अगली पेशी की तारीख मिल गई। तुम सिस्टम को बदलने चली थी, यही बात मैं तुम्हें समझा रही थी कि मलिक जलाल को किसी का डर नहीं। वो तारीख पर तारीख दिलवा कर खुद को बचाता रहेगा और हम ख्वार होते रहेंगे। मैं भी देखती हूँ कब तक चुपके बैठा रहेगा अम्मी। एक ना एक दिन तो उसको हर आना ही पड़ेगा। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बेटे के लिए हमारी बेटी मलाल का रिश्ता लेने के लिए आप तशरीफ लाए। थैंक यू। मलिक साहब, हमें तो मलाल बहुत पसंद है और मैंने जब अरबाज से उसकी राय पूछी तो उसकी भी यही मर्जी निकली। अरबाज, क्या कर रहे हो आजकल यार? जी मैं अभी बस यूएसए से आया हूँ, तो यहाँ पे बाबा का बिजनेस संभाल रहा हूँ। गुड, बड़ी जल्दी काम पे लगा दिया मलिक साहब आप। भाई साहब, वैसे तो हमने मिनाल को देखा हुआ है, आज खास तौर पर हम रिश्ते के लिए आए। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बेटा आप जरा मिनाल को बुलाइए। एक घंटे से कॉफी का बोला हुआ है, कहाँ मर गई थी? एक काम ढंग से नहीं होता। जब कोई काम सही नहीं करता ये बस मैं बुला के लाता। घरों में तो आप समझती हैं कि सम टाइम मुलाजिम होगा, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। जा लेकर आप। मना मना, रिलैक्स, गेस्ट आ रहेगा, तुम आओ मेरे साथ। हियर शी इज। माशाल्लाह भाई साहब, बहुत जल्द आपके घर का नूर हमारे घर में रोशनी बिखरने लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मिनाल बेटा मेरे पास आओ ना। जाओ बिल्कुल। तुम जानती हो ना के ये जो मलिक साहब बैठे हैं, क्या चीज़ हैं। कुछ हरकत मत करना, बिहेव करना। बाद में बात करेंगे। शर्मा क्यों रही हो? जाओ बिहेव करना। जाओ जाओ जाओ, चलो। कैसी हुई? अच्छा भाई साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं शगुन के कंगन की भोगो पहना सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ला पहना। मलिक साहब, आज से मनाल हमारी बेटी। जैसे आपकी खुशी। बस हमें अब जल्दी से शादी की कोई करीबी तारीख दे दें। सॉरी मलिक साहब, इतनी जल्दी? असल में अरबाज ने फर्दर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाना है और हम ये चाह रहे हैं कि अरबाज के जाने से पहले ये शादी हो जाए। नहीं नहीं, शादी तो होनी है, बिल्कुल होनी है। और मैं सिर्फ ये कह रहा था कि
आपके शायान शान जो है वो हम लोग अरेंजमेंट कर सकें। और जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर वक्त मिल जाए तो चलें। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी जवाब दीजिएगा। जी जी बेहतर।